शिक्षा जगत में भी अनोखे एवं दिलचस्प मामले सामने आ रहे हैं। क्या कोई इस बात का यकीन कर सकता है कि जिस स्कूल में अपनी नियमित रूप से क्लास अटेंड कर हाई स्कूल की परीक्षा पास करे, लेकिन जब उनकी सूची इंटरनेट से निकलवाई जाए तो आपको उसमें प्राइवेट घोषित कर दिया जाए, जानकर आपको आश्चर्य में पड़ना जाहिर है। मंगलवार को जनसुनवाई में राधोगढ़ मॉडल स्कूल का छात्र अपनी इस समस्या को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा। छात्र विनोद धाकड़ का कहना है कि जब वह नियमित छात्र है तो फिर उसे प्राइवेट घोषित करने के पीछे शिक्षा विभाग की मंशा क्या है। कहाँ से आए? डोंगर से, दादोगर से। पता है क्या समस्या आ रही है? पहले से रेगुलर छात्र हैं और प्रवेश पत्र में रेगुलर रहे और अब प्राइवेट कर दिया गया है, रैंक पे निकाले हुए। कौन से स्कूल में? मॉडल स्कूल दादोगढ़। अच्छा, तो फिर इसकी आपने वहाँ से बात करी? पहले बात ही करने जा रहे हैं। उधर स्कूल में बात नहीं करी? स्कूल में मना कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपका। तो उनसे पूछ रहे हैं ऐसा कैसे हुआ ये? वो ये बोल रहे हैं एडमिशन इसमें मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। पर रेगुलर रहे हैं तो प्राइवेट क्यों किए?